शादी से चंद दिनों पहले ही बदल गई आमिर की बेटी की वेडिंग डेट। तारीख के साथ साथ वेन्यू में भी हुआ बड़ा बदलाव। आयरा नुपुर की शादी के लिए अब करना होगा और इंतजार। नई डेट के साथ वायरल हुई वेडिंग कार्ड की तस्वीर तो मेहमानों से खास गुजारिश करता दिखा दूल्हा दुल्हन का परिवार। जी हाँ, बॉलीवुड में इस वक्त अगर किसी को भी नए साल का बेसब्री से इंतजार है तो वो बी टाउन के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और उनका पूरा परिवार है। भाई आखिर अब आमिर के घर में जल्द ही शादी की शहनाइयाँ जो बजने वाली हैं। अब से कुछ ही दिनों में आमिर अपनी बेटी के हाथ पीले करने जा रहे हैं। साल 2023 के बदलते ही नए साल 2024 में आमिर की लाडली आयरा अपने बॉयफ्रेंड और मंगेतर नुपुर शिखारे के संग शादी के बंधन में बंध जाएंगी। जहां एक और आमिर और उनकी पहली बीवी रीना दत्ता अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में बिजी चल रहे हैं, तो वहीं अब E24 को मिली है आयरा और नुपुर की वेडिंग से जुड़ी एक लेटेस्ट और चौंकाने वाली अपडेट। क्योंकि अगर हम इस खबर का भरोसा करें तो अब हमारे साथ साथ फैंस को भी इस कपल की वेडिंग बेल्स सुनने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। भाई आखिर शादी से चंद दिनों पहले ही आमिर की बेटी की वेडिंग डेट में बदलाव जो हो गया है, क्योंकि अभी तक जहां एक और यही खबर छाई हुई थी कि आयरा और नुपुर 3 जनवरी 2024 को शादी करने जा रहे हैं, तो वहीं अब इनकी वेडिंग डेट बदल जाने की खबर सामने आ गई है, जिसका सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हुए आयरा और नुपुर के वेडिंग कार्ड की इस तस्वीर ने दिया है। जी हाँ, इंटरनेट पर आमिर की बेटी की शादी का कार्ड सामने आया है। इस कार्ड को ब्लैक गोल्डन थीम से तैयार किया गया है। कार्ड की डिटेल्स के मुताबिक आयरा नुपुर 3 जनवरी को नहीं बल्कि 13 जनवरी 2024 को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जो कि पहले इनकी रिसेप्शन की डेट थी। सामने आए इस कार्ड में लिखा गया है, अपनी बेटी आयरा और नुपुर की शादी में आपको न्योता देते हुए बेहद खुशी हो रही है, हमारे साथ शामिल हो, 13 जनवरी शनिवार, लव प्रीतम रीना और आमिर। साथ ही इस कार्ड में दो शब्द लिखकर ये भी बताया गया है कि कोई अपने साथ कोई गिफ्ट ना लाए। कार्ड पर शादी की तारीख के साथ लिखा है ब्लेसिंग्स ओनली, यानी कि दूल्हा दुल्हन को केवल आशीर्वाद दें, कोई तोहफा नहीं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि आमिर की बेटी की शादी उदयपुर या किसी और जगह नहीं बल्कि मुंबई में ही काफी ग्रैंड तरीके से होगी, और फिलहाल आयरा की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अब वाकई इस वेडिंग कार्ड में लिखी गई बातें सच हैं या नहीं, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि अब तक आयरा खान की वेडिंग डेट 3 जनवरी ही बताई जा रही थी। वहीं इनकी शादी की थीम महाराष्ट्रियन बताई गई है। साथ ही खबर ये भी है कि आमिर खान अपनी बेटी की शादी के बाद एक स्पेशल और शानदार रिसेप्शन पार्टी भी रखने वाले हैं, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारों को न्योता भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट E24।